तो दिल्ली में आईटीयू के पास इमारत में आग लगने की वजह अभी पता नहीं लग पाई है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको दे दें, दिल्ली में आईटीयू के पास इमारत में जो आग लगी थी उसकी वजह क्या रही ये अभी पता नहीं लग पाया है। और अब ये जांच का विषय बना हुआ है कि आईटीयू के पास जो इमारत है उसमें आग लगी तो कैसे लगी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। दिल्ली में आईटीयू के पास इमारत में आग लगी है। मैं अंदर ही हूँ बिल्डिंग में, यू टर्न मारते लेफ्ट में गेट से अंदर। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली में आईटीयू के पास की एक इमारत में आग लगी जिसमें फिलहाल वजह साफ नहीं हो पाई है। तो कैसे लगातार हर रोज आग लगने के बाद हादसे के मामले सामने आ रहे हैं, दिल्ली का मामला है, दिल्ली की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आईटीयू के पास इमारत में आग लगी है जिसकी वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। आग बुझाने के लिए दमकल की कई गाड़ियों को आप देख रहे हैं, दमकल कर्मी पूरी कोशिश। और ये धुएं का गुबार आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि अभी ये जानकारी भी नहीं आई है कि क्या इस इमारत में लोग भी हैं या नहीं। और फिलहाल दमकल कर्मी छत से भी आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये दिल्ली में आईटीयू के नज़दीक एक इमारत है, आईटीयू के पास एक इमारत है जिसमें ये आग लगी है। इसकी वजह क्या रही ये साफ नहीं हो पाया है। ये तस्वीरें आप देखिए, आग की लपटें आप देखेंगे इमारत में खिड़की से साफ तौर पर नजर आती हैं, धुएं का गुबार भी नजर आता है, लेकिन इसका कारण क्या रहा ये अभी साफ नहीं हो पाया है। ये दिल्ली में आईटीयू के पास की इमारत जहां ये भीषण आग लगी, दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं। आग पर पूरी तरह से काबू तो नहीं पाया गया है, लेकिन फिलहाल जो दमकल कर्मी हैं वो पूरी मशक्कत कर रहे हैं। ये बड़ी खबर। आग बुझाने के लिए दमकल कर्मी मौजूद हैं। ये आग लगी कैसे ये नहीं पता लग पाया है। और कल आपने देखा कि कैसे सीरम इंस्टीट्यूट के एक हिस्से में जब आग लगी तो उसमें भी 5 लोगों की मौत के बाद कई सवाल किए आग की वजह क्या थी। और फिर शिमोगा में आग लगने का हादसा हुआ जहां पर 8 लोगों की मौत हुई। और अब ये दिल्ली के आईटीयू की तस्वीर जहां आईटीयू के पास एक इमारत में आग लगी है, क्या कारण रहा अभी नहीं पता लग पाया है, लेकिन दमकल कर्मी आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश में इस वक्त। आप इन तस्वीरों के जरिए समझिए कि प्राथमिकता ये है कि पहले आग पर काबू पा लिया जाए, अगर कोई इमारत में फंसा है तो उसे सुरक्षित बाहर निकाला जाए। एक तो धुआं है, ऊपर से आग की लपटें भी इस इमारत की खिड़की में आप देख ही रहे हैं, तो थोड़ी मुश्किल ज़रूर आ रही है दमकल कर्मियों को, लेकिन ये सुनिश्चित करना पहले ज़रूरी है कि क्या कोई इस इमारत में है। हालांकि सुबह का वक्त है तो बहुत कम संभावना है कि लोग इस इमारत में होंगे, लेकिन अभी आग पर काबू पाया जाए, आग पूरी इमारत में ना फैले, ये प्राथमिकता दमकल कर्मियों की। और ये तस्वीरें आपके सामने, आग किन कारणों से लगी ये साफ नहीं हो पाया है। ये दिल्ली की तस्वीरें, आईटीयू के पास एक इमारत की तस्वीर है जिसमें आग लगने से दमकल कर्मी फौरन मौके पर पहुंचे हैं सूचना मिलते ही, और आग पर काबू पाने की, आग को बुझाने की जो कोशिश है, जो रेस्क्यू है वो शुरू हो चुका है। कई गाड़ियां मौके पर हैं दमकल की, आप देख पा रहे हैं कई गाड़ियां मौके पर हैं, छत पर चढ़कर इमारत की छत पर भी दमकल कर्मी हैं, क्योंकि हर तरफ से इस आग को फैलने से रोका जा सके ये प्राथमिकता, ये पहले कोशिश की जा रही है। हालांकि वजह अभी साफ नहीं है, लेकिन जैसा कि हम आपको बार बार बता रहे हैं फौरन अपडेट देंगे हम आपको। ये दो कैमरों से तस्वीरें अलग अलग हिस्से की इस इमारत के आप जीनी उस पर देख रहे हैं। एक कैमरे पर आप देख पाएंगे कैसे दमकल कर्मी छत से के जरिए भी इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे कि आग की जो लपटें हैं वो खिड़की से भी नज़र आ रही हैं। ये आग की लपटें खिड़की से भी आप देखेंगे, तो अंदर क्या कोई दफ्तर है या इसमें क्या कोई इम्पोर्टेंट ऑफिस है ये, या कागजात इसमें क्या बहुत कोई महत्वपूर्ण कागजात रखे हुए हैं, क्या है ये सारी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। लेकिन जी न्यूज़ क्योंकि आपको दो कैमरों से तस्वीरें दिखा रहा है तो हम आपको आगे भी जानकारी फौरन देंगे, सबसे पहले देंगे, लेकिन फिलहाल अभी जो जानकारी है उसके मुताबिक कारण तो नहीं पता लगा कि आग लगी किन वजह से, लेकिन फिलहाल दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं।
के पास ये इमारत है जिसमें आग लगी। आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन आग बुझाने की पूरी कोशिश इस वक्त की जा रही है। सुबह सुबह का वक्त है तो ये संभावना कम है कि बहुत लोग इस इमारत में होंगे। हालांकि क्या किस चीज़ का दफ्तर है या क्या यहाँ पर काम होता है, ये अभी आगे इन्फॉर्मेशन मिलते ही आप तक हम पहुँचाएंगे। लेकिन आप देखिए कि लोगों का पहुँचना शुरू हो गया है वहाँ पर। हो सकता है जो कर्मचारी काम करने के लिए, सुबह दफ्तर का वक्त है, 9 बज चुके हैं, अब ये आग थोड़ी देर पहले लगी है क्योंकि दमकल की गाड़ियाँ जो पहुँची हैं और अभी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है, तो इससे ये अंदाज़ा लगाना आसान है। लेकिन फिलहाल कारण साफ नहीं हो पाया है। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड एप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।